Morning, dear students. How are you? I hope you all are good. Okay, let's start study. Today we will discuss one topic, our sweet home. Hamara pyara ghar. The house in which we live with our family is called a home. Woh makan jahan hum hamare parivar ke saath rehte hain, woh kya kehlata hai? Hamara ghar. The house in which we live with our family is called a home. Living together teaches us to love our family members and care for them. जब हम उनके साथ रहते हैं, घर के परिवार के मेंबर्स के साथ, सदस्य के साथ, तो हम क्या सीखते हैं? कि हमें प्यार करना और सबकी केयर करनी चाहिए. It also teaches us to share work and things with them. ये हमें ये भी सिखाता है कि हमें हमारे काम को भी शेयर करना है और चीज़ों को भी शेयर करनी है. Inside a home, घर के अंदर. A home has many rooms. अब आपको पता है कि घर के अंदर तो बहुत सारे रूम होते हैं, है ना? किचन अलग होता है, बेडरूम अलग होता है, डाइनिंग रूम, ड्रेसिंग रूम, टॉयलेट, स्टडी रूम, है ना? इन विच रूम हैज़ डिफरेंट थिंग्स एंड यूसेस. यू ऑलरेडी नो कि हर रूम में अलग अलग चीज़ें होती है और हर रूम का अलग तरीके से यूज़ होता है. जैसे कि हम किचन में खाना बनाते हैं, बेडरूम में तो नहीं. बेडरूम में सोते हैं, किचन में तो नहीं. वॉशरूम में हम वॉशरूम करते हैं, अलग अलग रूम में हम अलग अलग चीज़ें करते हैं. पिक्चर गिवन बिलो शो द वेरियस रूम ऑफ होम. यू कैन सी द पिक्चर. बेडरूम, टॉयलेट, स्टोर रूम, किचन, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, डाइनिंग रूम, बाथरूम. नाउ सी इन फर्स्ट पिक्चर. ये क्या है? ड्राइंग रूम. एंड सेकेंड पिक्चर, टेल मी, किचन. दिखाई दे रहा है आपको? कैन यू सी? ओके. एंड थर्ड पिक्चर, जहाँ पर बैठकर आप खाना खाते हैं, डाइनिंग रूम. वेरी गुड. एंड फोर्थ पिक्चर यू कैन सी, बेडरूम. क्या है ये? बेडरूम, जहाँ पर हम सोते हैं और जहाँ पर हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, वो रूम कौन सा होता है? स्टडी रूम. वेरी गुड. एंड सिक्स पिक्चर, सी हियर, बकेट एंड मग, बाथरूम. वेरी गुड. एंड सेवन्थ पिक्चर, जहाँ पर हम घर की पुरानी चीज़ों को रखते हैं, जिन्हें हम यूज़ नहीं करते हैं लेकिन हम उन्हें स्टोर करके रखते हैं, स्टोर रूम. वेरी गुड. एंड इट्स टॉयलेट. यू ऑलरेडी नो वेरी वेल. तो हमने क्या सीखा है? कि घर में हम सदस्य के साथ रहते हैं, उनसे अच्छी अच्छी आदतें सीखते हैं, हमें वर्क को भी शेयर करना है, चीज़ों को भी शेयर करना है और सबकी हेल्प करनी है. और जो रूम्स होते हैं घर में, अलग अलग टाइप के होते हैं. हर रूम में अलग अलग चीज़ें रखी होती है, चाहे वो बेडरूम हुआ या किचन हुआ, ड्राइंग रूम हुआ, डाइनिंग रूम हुआ, स्टडी रूम, बाथरूम, टॉयलेट या स्टोर रूम. नाउ सी क्लीनिंग आवर होम्स. हमको घर की सफाई करनी चाहिए ना? करते हो या नहीं करते हो आप? अगर नहीं करते हो तो आपको करना चाहिए. वी ऑल फील हैप्पी टू हेल्प आवर पेरेंट्स इन क्लीनिंग आवर होम्स. हम सब खुश होते हैं हमारे पेरेंट्स, मम्मी पापा की हेल्प कर क्लीनिंग में. अरेंजिंग टॉयस ऑन सेल्फ. अब आपको दिखाई दे रहा है, हियर यू कैन सी वन बॉय इज स्टैंडिंग हियर. एंड वॉट ही डूइंग? वो अपनी अलमीरा में अपने खिलौनों को जमा रहा है. क्लीनिंग आवर स्टडी टेबल. यू कैन सी वन गर्ल हियर, ही इज क्लीनिंग ही हर स्टडी टेबल. वो उसकी पढ़ाई के टेबल को साफ कर रही है. यूजिंग द डस्टबिन. जो लड़का है वो क्या कर रहा है? डस्टबिन को यूज़ कर रहा है. आप चॉकलेट खाते हो, उनके रैपर्स घर में यहाँ वहाँ फेंकते हो, आप पेंसिल शॉप करते हो, है ना? तो जो भी थिंग्स, जो भी कचरा होता है, तो आपको कहाँ डालना चाहिए? डस्टबिन में. यू शुड यूज़ डस्टबिन. थिंग्स वी यूज़ फॉर क्लीनिंग आवर होम्स. अब आपको पता है कि हम हर काम तो अपने हाथों से ही करते हैं, लेकिन हम किसी न किसी चीज़ की, किसी न किसी थिंग की यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें घर में सफाई करना है तो हम ब्रूमिंग करते हैं ना, तो हम ब्रूम का यूज़ करते हैं.
इसी टाइप से अलग अलग चीज़ें होती है। नाउ यू कैन सी द ऑब्जेक्ट, क्लोथ डस्टर, वॉशिंग पाउडर, सोप, डस्टपैन, इंसेक्ट स्प्रे, बकेट एंड मग, वैक्यूम क्लीनर, टॉयलेट ब्रश, ब्रूम, मॉप। ओके नाउ फर्स्ट पिक्चर, वेट हाँ, यू कैन सी इन फर्स्ट पिक्चर क्लोथ डस्टर, ओके, इन सेकेंड पिक्चर ब्रूम, इन थर्ड पिक्चर वैक्यूम क्लीनर, इन फोर्थ यू नो वेरी वेल बकेट एंड मग, इन फिफ्थ पिक्चर वॉट, डस्ट पैन। आप झाड़ू लगाते हो तो आप उसमें कचरा किस में रखते हो, डस्ट पैन में। इन सिक्स्थ पिक्चर हियर इज मोप, एमओपी मॉप, मॉप मीन्स पोछा, जो हम पोछा लगाते हैं ना उसे हम मॉप कहते हैं। इन सेवंथ पिक्चर स्प्रे, बट किस टाइप का स्प्रे, इंसेक्ट स्प्रे, जो कि किसके ऊपर होता है, इंसेक्ट। इंसेक्ट कौन कौन होते हैं हमारे घर में, होते हैं ना कॉकरोच, बर्ड फ्लाई, मॉस्किटो, हम उन पे वो इंसेक्ट कहलाते हैं और हम उन पे स्प्रे करते हैं। एंड एट नंबर सोप, आपको पता ही है तो सोप है, यू ऑलरेडी नो वेरी वेल। इन नाइन नंबर वॉट, टॉयलेट ब्रश। इन टेंथ वॉशिंग पाउडर, आपको पता है कि हम कपड़े धोते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, वॉशिंग पाउडर का। फेस्टिवल एंड और होम्स, वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल विथ आर फैमिली, हम हमारे परिवार के बीच में उनके साथ रहकर अलग अलग तरीके के फेस्टिवल मनाते हैं। आप मनाते हो ना, कौन कौन से फेस्टिवल मनाते हो, होली हाँ, दीपावली, वेरी गुड, राखी, ओके। तो फेस्टिवल ब्रिंग्स जॉय एंड हैप्पीनेस, जो त्यौहार होते हैं वो क्या लाते हैं, खुशियाँ लाते हैं। आप खुश होते हो ना कि दीपावली आई है तो मिठाइयाँ बनेगी, होली आई है तो हमें कलर मिलेंगे, पिचकारियाँ मिलेगी। और हम जो भी त्यौहार मनाते हैं उस त्यौहार को घर में ही मनाते हैं, तो हम घर को हर फेस्टिवल के लिए अलग तरीके से डेकोरेट करते हैं। दीपावली पे हम दिए जलाते हैं, रंगोली बनाते हैं, है ना। ऑन सच ओकेशंस वी डेकोरेट आर होम्स विथ रंगोली एंड तोरण, इसमें भी लिखा ही है कि हम दीपावली पर हम या किसी भी त्यौहार पर हम हमारे घर को अलग अलग तरीके से डेकोरेट करते हैं, लाइक रंगोली बनाकर या तोरण लगाकर। तो आज हमने यही चीज़ सीखी कि हम फैमिली में रहते हैं, हमारे घर में हमारे परिवार के मेंबर्स के साथ वो हमारा घर कहलाता है, और जिन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए उन चीज़ों के हमने नाम भी देखे और हमें पता भी चल गया कि कौन सी चीज़ से हम क्लीनिंग करते हैं। और हमने अच्छी हैबिट भी देखी ना कि हमें हमारे फैमिली मेंबर्स की हेल्प करनी चाहिए क्लीनिंग के लिए, और हमें डस्टबिन का यूज़ भी करना चाहिए, हमें अपने टॉयज़ को अरेंज करना चाहिए आवर सेल्फ, और हम जहाँ पढ़ाई करते हैं वी शुड क्लीन आवर स्टडी टेबल, ओके।